खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में एआरटीओ ने स्कूल बसों को चेक करने का अभियान चलाया। इस दौरान रुड़की, मंगलौर, लंढोरा, लक्सर में स्कूल बसों को रोककर उनका बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं चेकिंग के दौरान स्कूल बसों में खामियां पाई गईं, जिसके बाद एआरटीओ ने करीब 20 से अधिक बसों के खिलाफ कार्रवाई की। एआरटीओ अखिलेश चौहान ने बताया कि आरटीओ ने निर्देश पर 3 दिन स्कूल बसों के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 20 से ज़्यादा स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं 4 स्कूल बसों को सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। लक्सर से रामगोपाल की रिपोर्ट। स्कूल वाहनों के जो मानक होते हैं, मेन जो है कि बच्चे जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, तो ऐसी वाहन जो उनके मानक होते हैं, उसमें कैमरा हो, GPS हो, फर्स्ट हैंड बॉक्स हो, जो जो उसकी विंडो होते हैं उन पर ग्रिल लगे हुए हों, ड्राइवर यूनिफॉर्म में हो, उसके साथ जो है सहायक के रूप में कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे जो वाहन अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। ये 3 दिन का अभियान हमारा आरटीओ महोदय के द्वारा जो है चलाया गया है।